हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल अशिक मर्जिक मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे वीसीआई के बारे में। वीसीआई की जो सीट मैट्रिक्स आई है तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, सिक्योरिटी मनी किसको पे करना है, कौन सब एलिजिबल है, कंप्लीट बात करने वाले इस वीडियो में। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो, लास्ट ईयर अगर हम बात करें ईस्ट वैकेंसी राउंड का, तो लास्ट ईयर टोटल 76 सीट खाली बची हुई थी। बहुत गिने चुने कॉलेज थे, बहुत कम से जिसमें एक आध सीटें खाली बचा हुआ था। ऑलमोस्ट 76 में से जो है मेजोरिटी सीट प्राइवेट कॉलेज की खाली बची हुई थी। इस बार जो है टोटल 224 सीट खाली बचा हुआ है। राउंड टू का जो कट ऑफ आया था बहुत हाई कट ऑफ गया था, एकदम अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है कॉलेज नहीं लिए, इस वजह से स्ट्रेट राउंड में जो है कॉलेज जो सीट है वो बहुत सारा वैकेंट बचा हुआ है। 224 सीट 734 में से 224 सीट बचा हुआ है स्ट्रेट वैकेंसी राउंड के लिए। ये कम नहीं होता है, ये बहुत सीट है, बहुत इससे वैकेंसी राउंड के हिसाब से ये बहुत सीट खाली बचा हुआ है। इसलिए आप लोग मायूस नहीं हो, ठीक है। अब इसमें कौन सा पार्टिसिपेट करता है ये बता देता हूँ। देखो, जो लोग भी राउंड वन में रजिस्ट्रेशन किए थे या राउंड टू में रजिस्ट्रेशन किए थे और कॉलेज नहीं राउंड वन में मिल पाया है या नहीं राउंड टू में मिल पाया है, वो सारे लोग इससे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। जिन लोग को राउंड वन में कॉलेज मिल गया था या राउंड टू में कॉलेज मिल गया था, अलॉट हुआ था, ठीक है, अलॉट हुआ था, तुम एडमिशन लिए या नहीं लिए, रिपोर्ट किए नहीं किए, इससे राउंड में आप जो है एलिजिबल नहीं हो। स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, और 25,000 रुपये एससी एसटी और पीएच फिजिकली हैंडीकैप बच्चे को 25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर आपको जो भी कॉलेज लेना है वही कॉलेज, मतलब श्योरली 100% दिमाग में फिक्स कर लेना कि अगर ये कॉलेज भी हमको अगर मिल जाएगा, कहीं भी चाहते हो कि मतलब ये कॉलेज मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा, तो ही सारा कॉलेज जो है वो सब कॉलेज जो है डालना। आप जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है वहाँ पर जाके एडमिशन ले लेते हो, जो विद एकदम एक टाइम देगा उस टाइम के अकॉर्डिंग अंदर में जाके आप एडमिशन ले लेते हो तो भी, और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो भी, दोनों ही केस में आपका जो सिक्योरिटी मनी है उसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, जिस अकाउंट से पैसा जो है कटेगा या मतलब डिडक्ट हुआ है, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है लेकिन कॉलेज जो है एडमिशन नहीं लेते हो, कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन तुम एडमिशन नहीं लेते हो या नहीं ले पाते हो, दोनों केस में मतलब एडमिशन कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, अब 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में पहुंच करके एडमिशन का प्रोसेस को कंप्लीट करना है, लेकिन तुम वहां नहीं पहुंच पाते हो या फिर तुम लेना ही नहीं चाहते हो वो उसमें, तो उस केस में तुम्हारा पैसा जो है डूब जाएगा वो, और उस पैसा के लिए तुम क्लेम भी नहीं कर सकते, वो पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और पैसा कब लौट के आएगा, तो पैसा लौट के आने का डेट फिक्स नहीं है, जनरली एक महीने के अंदर जो है आ जाना चाहिए काउंसलिंग ओवर होने के बाद, बट कई बार जो है दो दो तीन तीन महीना भी है, दो दो चार चार महीना भी लग जाता है, तो इसलिए पैसा तो आ जाएगा लेकिन ये फिक्स नहीं है। जनरली दो से तीन महीने के अंदर जो है पैसा सारे लोग का आ जाता है उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसा कटता है। अब हम कट ऑफ की बात करें तो देखो कट ऑफ कितना जा सकता है, अभी तक जो राउंड वन का राउंड टू का कट ऑफ गया है एकदम शॉकिंग कट ऑफ गया है, उसके हिसाब से मतलब ये बोलना बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गया है राउंड टू में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड ये एकदम हार्ट ब्रेकिंग वाला कट ऑफ नहीं देगा, टेंशन नहीं लो। जो लोग अच्छे स्कोर किए हो 570-580 के आसपास जो भी बच्चे हैं, मेक मतलब 100% को कॉलेज जो है स्ट्रेट राउंड में मिल जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग थ्री टाइम्स सीट जो है वैकेंट बचा हुआ है, थ्री टाइम्स समझ रहे हो, तीन गुना सीट खाली बचा हुआ है, तो आपको कट ऑफ मतलब कॉलेज जो है मिल जाना चाहिए। और किसको मतलब बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे हेजिटेट हो रहे हैं, पेरेंट्स हेजिटेट हो रहे हैं कि 50,000 की बात आए, 50,000 वापस आएगा या नहीं आएगा, मतलब पार्टिसिपेट करूँ या नहीं करूँ, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे कन्फ्यूज हैं। तो देखो मतलब 50,000 रुपये है ना एक साल के लिए, मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं, अगर एक तुमको कॉलेज मिल जाता है तो फिर सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, अगर नहीं मिल पाता है तो वो पैसा रिफंड हो जाएगा, विश्वास रखो पैसा रिफंड हो जाएगा। और अगर अच्छा स्कोर है, मैं अभी कट ऑफ बता देता हूँ, उसके अंदर तुम्हारा नीट का ऑल इंडिया रैंक आ रहा है या उतना आ रहा है तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना, कॉलेज जो है मिल सकता है। जनरल कैटेगरी का लास्ट ईयर 1,28,000 तक कॉलेज मिला हुआ है, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और 1,28,000 के आसपास अगर ऑल इंडिया रैंक है तो पार्टिसिपेट करना, अगर ओबीसी कैटेगरी हो
तो लास्ट ईयर जो है 1.5 लाख तक ऑल इंडिया रैंक जिसका 1,50,000 था उसको कॉलेज मिला हुआ है। तो अगर आपका 1,40,000 के आसपास है या 1,50,000 के आसपास है ऑल इंडिया रैंक नीट में और OBC कैटेगरी से हो तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिल सकता है। EWS का बात करें तो 2 लाख तक लास्ट ईयर बच्चों को मिला, EWS में लास्ट ईयर 2 लाख तक जिसका ऑल इंडिया नीट में रैंक था उसको कॉलेज मिला हुआ है। तो इस बार आपका 1,80,000 के आसपास भी ऑल इंडिया रैंक है तो मैं बोलूँगा पार्टिसिपेट करो, कॉलेज जो है मिल सकता है। SC कैटेगरी का बात करें तो 2,40,000 तक जो है कॉलेज मिला हुआ है, 2,40,000 तक SC कैटेगरी का मिला हुआ है इस वैकेंसी राउंड में लास्ट ईयर। तो इस बार तुम्हारा इसके अंदर अगर ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, मिल सकता है। ST कैटेगरी का बात करें तो 2,90,000 जिसका ऑल इंडिया रैंक था लास्ट ईयर उसको कॉलेज मिला हुआ है। अगर 2,80,000, 90,000 या 3 लाख के अंदर तुम्हारा ऑल इंडिया नीट में रैंक है तो मैं बोलूँगा पार्टिसिपेट करो, कॉलेज जो है तुमको मिल सकता है। ठीक है, राउंड 2 की तरह ये हार्ट मतलब ब्रेकिंग वाला कट ऑफ नहीं होगा इस वैकेंसी राउंड का, अच्छा कट ऑफ नीचे जाएगा। जनरली राउंड 1 में राउंड 2 में जितना कट ऑफ गया उससे डेफिनेटली कम कट ऑफ जाएगा और जितना तुम लोग सोच रहे एकदम घबरा गए उससे ज़्यादा कट ऑफ नीचे जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, पॉजिटिव होप लेकर के पार्टिसिपेट करो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। तुम्हारे हाथ में यही है कि मतलब अपना एफर्ट देना, अपना एफर्ट ये कर सकते हो कि काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी मिलना और नहीं मिलना मतलब बुरा क्या हो सकता है, यही ना कि नहीं मिलेगा, लेकिन सोचो अगर अच्छा क्या होगा, मतलब मिल गया तो सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए तुम्हारे हाथ में यही है कि पार्टिसिपेट करो। 50,000 समझ रहा हूँ बहुत सारे मतलब पेरेंट्स के लिए आम मतलब इतना पैसा वो जमा करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ मिल जाएगा तो सारा दुख दर्द आपका दूर हो जाएगा, यही सोच करके आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और लॉगिन जो है सुबह में नहीं हो रहा था, तुम्हारा सिर्फ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, सारे बच्चों का नहीं हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था, तो अब लॉगिन हो रहा है, अब लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करो, आगे करो, प्रोसीड करो। और मेक श्योर चॉइस फिलिंग के टाइम पे एक जो लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो ध्यान से लिस्ट को चेक कर लेना, एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं रहना चाहिए। अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया तो उस केस में तुम्हारा है ना नैया डूब जाएगा, तो इसीलिए चेक कर लेना अच्छे से। और जो लोग प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो वो लोग तो प्राइवेट कॉलेज डालोगे ही, और जो लोग भी जैसे चाहते हो कि हमको ये कॉलेज मिल जाए या वो कॉलेज मिल जाए तो उसको टॉप प्रायोरिटी पर रख सकते हो। ठीक है, बाकी भी जितना भी 49 गवर्नमेंट कॉलेज है तो सारे कॉलेज मैं सजेस्ट करूँगा कि सारे कॉलेज आपको फिल करना है। ठीक है, उसमें से जो आपके मेरिट पे फॉल करेगा वो ऑटोमेटिकली आपको वो कॉलेज जो है मिल जाएगा। और सिक्योरिटी मनी सारा चीज़ मैं सिक्योरिटी मनी के बता दिया, सीट के बारे में बता दिया, कट ऑफ के बारे में बता दिया, और कौन सा पार्टिसिपेट कर सकते हो भी बता दिया। यहाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो लोग राउंड 1 में राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किए थे वही लोग एलिजिबल हैं, जिनको सीट नहीं मिल पाया वही लोग एलिजिबल हैं, इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो जो लोग नहीं कर पाए हो रजिस्ट्रेशन वगैरह तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है VCI में, अब आपके पास जो है स्टेट कोटा का ऑप्शन है वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए, या फिर आयुष में ऑप्शन है, या अगर अच्छा स्कोर आ रहा है 620-630 प्लस स्कोर ला रहे हो तो BHU में रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 29 सितंबर इसका लास्ट डेट है, तो 29 सितंबर तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो BHU में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इनकेस अगर आप नहीं कर पाए हो तो। तो मुझे लगता है मैं सारा जो है पॉइंट को कवर कर दिया हूँ, सीट मैट्रिक्स और जो कट ऑफ से रिलेटेड है सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, जो भी कॉलेज अलॉट हो तो कमेंट में टाइप कर देना, और भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी टाइप कर देना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।